18 साल में पहली बार रमजान बाजार नहीं लगाए जाएंगे। निगरान सूबाई काबीना कमेटी ने सस्ते रमजान बाजार लगाने से साफ इनकार कर दिया। काबीना कमेटी का 5 लाख मुस्तहिक घरानों को 4000 रुपए फीकस देने का फैसला। 9 अरब के रिलीफ पैकेज में से सिर्फ 2 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का काबीना इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। रमज़ान से कबल मुफ्त आटे की फराहमी शुरू की जाए। अवाम को रिलीफ के साथ कितारों की जहमत से भी बचाना है। पंजाब में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए पॉइंट्स में इजाफा किया जाए। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मुफ्त आटा पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन सिस्टम वज़ा करने की हिदायत। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को पिछाड़ दिया। डॉलर की कदर में 3 रुपए 18 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में 1 डॉलर 282 रुपए 30 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए तक फ्रो। पहले एहतसाब फिर इंतखाबात। इमरान खान अदालतों से भाग रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा। नवाज शरीफ बेटी के साथ हफ्ते में 5 दिन पेश होता था, तुम क्यों नहीं होते? जिस मुल्क में इंसाफ ना हो उसमें तरक्की नहीं हो सकती। इमरान खान का साथ देने वालों की अकल पर हैरान हूँ। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज़ ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बोली पहले जेल भरो और फिर रैली की कॉल दी गई। इमरान खान के बच्चे लंदन में महफूज बैठे हैं। कौम के बच्चों को कहता है आओ सड़कों पर आकर मार खाओ। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं कि दफ़ा 144 खत्म हो गई, हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे, इंतखाबी जलसे करेंगे। ये इलेक्शन से भागने और मुझ पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ना अहल करें या गिरफ्तार, मैच हम जीत चुके। मेरी गिरफ्तारी के बाद पार्टी अमूर कौन चलाएगा, सब चीज़ें तय हैं। 8 मार्च के वाकयात 25 मई का पार्ट 2 था। वही ऑफिसर्स 8 मार्च के वाक्य में मुलव्वस हैं जो 25 मई को थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगु। इमरान खान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी का हुक्म ता हुक्म सानी मौतल। हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। केस मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस शम्स महमूद ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर में दफा 144 एक रोज बाद खत्म। हुकूमत ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। हाईकोर्ट में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त मिटा दी गई। इमरान खान की रैली रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जैसे शाहिद करीम ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त भी नाकाबिले समाअत करार। बादल नज़र में इमरान खान ने जिन जजिस पर तनकीद की इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। जस्टिस शजाद अली खान के रिमार्क्स। पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूदुर रशीद और दीगर भी नामजद। मुकदमा थाना रेस कोर्स में गुज़श्ता रोज होने वाली हंगामा आरई पर दर्ज किया गया। पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की हलाकत का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने 50 के करीब वीडियोज हासिल कर ली। एडी अलकारों और हस्पताल अमले के बयानात भी रिकॉर्ड। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश करेगी। पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद का किसी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात और उनके लीडर ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इमरान खान बातचीत के लिए तैयार होंगे तो आसिफ अली जरदारी को कायल कर लेंगे। मुल्क में अमन व अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा।
रहनुमा पीटीआई शिबली फराज कहते हैं इमरान खान पर बलूचिस्तान में भी एक केस दायर कर दिया गया। पार्टी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आवाम की बात करने वाला कोई ना हो। इमरान खान पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। साबिक चेयरमैन शिकायत सेल जुबैर अहमद खान को घर के बाहर से अगवा किया गया। नाअहल हुक्मरान ज्यादतियों के इंतहा कर रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही के साबिक अरकीन असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। राजा बिशारत ने कहा कि हुक्मरान ओछे हथकंडों पर उतर आए और बेगुनाह अफराद को अगवा किया जा रहा है। इमरान खान ने भी गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। पाकिस्तान जल्द मुश्किल हालात से बाहर निकल आएगा। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में आवामी सतह पर राबिते बढ़ाने की जरूरत पर इत्तफाक। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर दोबारा सियासत में एंट्री के लिए तैयार। सराय के मुताबिक चौधरी मोहम्मद सरवर का काफ लीग में शमूलियत का इम्कान। चौधरी मोहम्मद सरवर शमूलियत का ऐलान शजात हुसैन से मुलाकात के बाद करेंगे। FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली कागजात पर आजरबाईजान जाने वाले दो मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। जाहिद नवाज और अली नवाज का ताल्लुक गुजरांवाला से है। मुलजमान को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम्स हुकाम की शादबाग में कार्रवाई। 57 मिलियन मालियत का स्मगलशुदा सामान कब्जे में ले लिया गया। सामान में इंजन, ऑटो पार्ट्स समेत दीगर सामान भी शामिल। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगलशुदा सामान गोदाम में छुपाया गया था। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत की मुद्दत पूरी होने लगी। FIA समेत मुख्तलिफ दफातर की छतों से पानी टपकने लगा। अफसरान और मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2023 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी हाजियों को सहूलतें फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली जल्द मुकम्मल की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। NCM में वज़ीर आज़म ग्रीन यूथ मोमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान शहज़ाद फातिमा ख्वाजा की ख़ुसूसी शिरकत। तलबा ने माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर पोस्टर्स बनाए। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। बरवक्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार। निगरान वजीर आला पंजाब ने प्राइमरी NGO मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मोहसिन नकवी का खवातीन के लिए बनाई गई सेफ्टी ऐप मेरी आवाज़ कॉल करने का हुक्म। IG शिकायत हेल्पलाइन 1787 को भी खवातीन के तहफ़ के लिए मजीद कॉल बनाने की हिदायत। स्कूलों में दाखिलों के हदफ में 100% इजाफा। अगले तालीमी साल के लिए 5,34,000 से ज़ायद तलबा को दाखिल किया जाएगा। गुज़श्ता साल 2.5 लाख तलबा के लिए दाखिल किए गए थे। पंजाब के स्कूलों में दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। तलबा हो जाएं तैयार। 1 अप्रैल से होगा 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़। 2,33,134 तलबा 10वीं जमात का इम्तिहान देंगे। इम्तिहानात के लिए रोल नंबर स्लिप 16 मार्च से जारी की जाएंगी।